दुनिया विच नहीं जिसका कोई सानी उस गुरु लसानी दी गल करिए 26 साल जिन्हां ने भोर च तप किया उस ब्रह्म ज्ञानी दी गल करिए दित्ती गई जो चांदनी चौक वैस ऐसी पावन कुरबानी दी गल करिए हिंद दी चादर धर्म दी चादर दे नां नाल जाने जाण वाले अते गुरु नानक देव जी दे ज्योति रूप सिखां दे नां सिख धर्म के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी बारे अज मैनू बोलन का मौका मिलया है। मेरा नाम पवनदीप कौर है। मैं 6वीं बीच माध्यमिक की विद्यार्थी हाँ। 1 अप्रैल 1621 माता नानकी जी की कुखों अमृतसर विखे जन्मे 9वें पातशाह नू कश्मीरी पंडितों वालों शरण में आ के हिंदू धर्म की राख्या लई पुकारे जाण करके तिलक जंदू दे राखे वजो भी जाने जान लगे। 14 साल की उम्र में करतारपुर विखे चंगी तलवारबाजी दिखाने कारण आप जी त्याग मल जी तो श्री गुरु तेग बहादुर जी बन गए। 1675 में जदों कश्मीरी पंडित गुरु जी की शरण में आए तो गुरु जी ने जो शरणी आवे तुसू कंठ लावे महावाक अनुसार उन्होंने विकास विश्वास दिलाया कि वह बाबे नानक के दर से मायूस नहीं परवर्तनगे। जदों गुरु जी ने इस्लाम के नशे में धुत औरंगजेब के सामने गए तो उसने इस्लाम की महिमा गाउंदिया आप जी ने इस्लाम कबूल लई प्रेरिया पर गुरु जी ने उत्तर दिता तलवारा दी नोक ते धर्म नहीं बदले जा सकते। गुरु जी नू चढ़दी कला विच अते उन्हां द्वारा इस्लाम ना कबूल ते अटल निषेध नू वेख ओ गुस्से विच कंब उठे अते गुरु जी नू पिंजरे विच बंद कर दिता। होश चलम ने गुरु जी ने मरीद भाई सतीदास भाई दयाला जी नू अनमुखी तसीहे दे के शहीद कर दिता। अंत मिति 11 नवंबर 1675 चांदनी चौंक विखे जलालदीन दे तलवार नाल वार करके गुरु साहिबान जी का सीस धर तो अलग कर दिता। इस प्रकार सिख धर्म हेत सक दे सुनहरे इतिहास नाल भरपूर हो गया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।